हेलो एवरीवन, आज हम कल के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं। नर्सिंग फंडामेंटल का टॉपिक जिसमें हमने कल फ्लूड के टाइप के बारे में पढ़ा था, आइसोटॉनिक, हाइपरटॉनिक एंड हाइपोटॉनिक के बारे में पढ़ा था और उसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फ्लूड मूवमेंट्स के अंदर ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एक ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहला जो मोमेंट है वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर सबसे पहले था कि इसके अंदर जो फ्लूड होता है उसका ट्रांसफ़र होता है ज़्यादा से कम की ओर। इधर पहले डायग्राम में दे रखा है कि जो फ्लूड है उसके अंदर मॉलिक्यूल फ्लूड ज़्यादा है परंतु सॉल्यूट कम है, और एक साइड में है फ्लूड कम और सॉल्यूट ज़्यादा है। तो नेक्स्ट जो डायग्राम इसी का दे रखा है उसके अंदर क्या होगा, फ्लूड की वैल्यू और सॉल्यूट की वैल्यू दोनों में सेम हो चुकी है, मतलब फ्लूड का ट्रांसफ़र हो चुका है दोनों तरफ, सॉल्यूट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फ्लूड का ट्रांसफ़र हुआ है, इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। सेकंड आएगा डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के अंदर क्या होगा, फ्लूड और सॉल्यूट दोनों का ट्रांसफ़र होगा, सॉल्यूट होगा वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर और फ्लूड भी क्या होगा अधिक से कम की ओर। तो दोनों तरफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो क्या होगा लो सॉल्यूट की तरफ जाएगा, और लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन उसमें फ्लूड जाता है तो वो फ्लूड होगा वो हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफ़र होगा, इसे अपन बोलते हैं डिफ्यूज़न। थर्ड आएगा एक्टिव ट्रांसफ़र। नेक्स्ट आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के अंदर जो कैटायन होता है वो कौन सा ज़्यादा होता है, तो वो होता है सोडियम, और पोटेशियम होता है वो कम होता है। इसी में हम पढ़ते हैं आगे, इंट्रा सेलुलर फ्लूड के अंदर सोडियम जो होता है कैटायन वो होता है कम और पोटेशियम होता है ज़्यादा। तो अणुओं का कम से ज़्यादा की तरफ ट्रांसफ़र करने के लिए एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करने हमेशा क्या होता है, अणु ज़्यादा से कम की ओर ट्रांसफ़र होता है। इधर क्या है, ये कम से ज़्यादा की तरफ अगर इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मटीरियल्स थ्रू अ मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। फिल्ट्रेशन इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ वाटर, फिल्ट्रेशन होता है वाटर का ट्रांसफ़र होता है, डिसॉल्व करता है मटेरियल्स को। प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्लूड मूवमेंट अमंग कंपार्टमेंट्स। फ्लूड मूवमेंट्स अमंग कंपार्टमेंट के अंदर सबसे पहला पढ़ेंगे हम कंपार्टमेंटल एक्सचेंज इज रेगुलेटेड बाय ऑस्मोटिक एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेट लीकेज ऑफ फ्लूड फ्रॉम द ब्लड इज पिक्ड अप बाय लिम्फेटिक वेसल्स एंड रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम। अगला पॉइंट है एक्सचेंज बिटवीन इंटरस्टीशियल एंड इंट्रासेल्युलर फ्लूड आर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द सेलुलर मेम्ब्रेन्स। फोर्थ पॉइंट आता है टू वे वाटर फ्लो इज सब्सटेंशियल। अगला पॉइंट है आयन रेस्पिरेटरी गैसेस एंड वेस्ट मूव इनडायरेक्टली, प्लाज्मा इज द ओनली फ्लूइड दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी एंड लिंक्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। ऑस्मोलैलिटी of the body fluids are equal, change in solute concentration and quickly followed by osmotic changes. Next आता है water. Next अपन पढ़ते हैं water के बारे में। Water होता है 2 liters of water per day are generally sufficient for adult. Adult में routine में 2 liter water कम से कम पीना चाहिए। Most of the minimum intake is usually derived from the water content of food and the water of oxidation. Therefore, most of the minimum intake is usually minimum intake ज़रूरी है derived from the water content, जो पानी से बने हुए content होते हैं, जैसे कि like food हो गया या water का oxidation करवाना हो गया, इन सब के लिए हमें water की ज़रूरत पड़ती है।
It has been estimated that only 500 ml of water need to be imbibed given normal diet and no increased losses. These sources of water are markedly reduced in patients who are not eating and so must be replaced by maintenance fluid. Water requirement increase with fever, sweating, burn, tachypnea, surgical drains, polyuria और ongoing sufficient gastrointestinal losses. ये सारी जितनी भी problems हैं इनमें हमें water की requirement ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि sweating के through water release होता है, burn के patient के अंदर भी fluid loss होता है, tachypnea और surgical बढ़ जाती है. वाटर का बैलेंस, कंट्रोल ऑफ वाटर लॉस के बारे में भी बताया गया है. इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी डिटेल में. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्लूड बैलेंस. फ्लूड बैलेंस में एवरेज डेली इंटेक ऑफ वाटर में टोटल इंटेक होगा 2500 ml, कम से कम 2.5 लीटर. वाटर इन भी वही 150 ml और 60%. वाटर इन मॉइस्ट फूड 750 ml. वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म 250 ml. एवरेज डेली इंटेक होता है, एवरेज डेली आउटपुट ऑफ वाटर में जितना इंटेक होता है उतना ही लगभग आउटपुट होता है, 2500 ml के आसपास. वाटर लॉस इन स्वेट के अंदर होगा 150 ml. वाटर लॉस इन फीसेस के अंदर होगा 150 ml. वाटर लॉस थ्रू स्किन एंड लंग्स के अंदर होगा 700 ml. वाटर लॉस इन यूरिन 1500 ml के आसपास. इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्लूड बैलेंस. फ्लूड बैलेंस, द बॉडी ट्राई टू मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑफ फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय रेगुलेटिंग. कैसे रेगुलेट करती है होम्योस्टेसिस को? वॉल्यूम को रेगुलेट करती है सॉल्यूट चार्ज एंड ऑस्मोटिक लोड से. उसके बाद आएगा फ्लूड बैलेंस. फ्लूड बैलेंस में आएगा, नॉर्मली देयर इज अ बैलेंस अचीव बिटवीन आवर टोटल डेली इनटेक और आउटपुट ऑफ फीवर वाटर सॉरी. ये हमारे टोटल डेली इनटेक और आउटपुट पर डिपेंड करता है. नॉर्मली जो फ्लूड बैलेंस होता है वो टोटल फ्लूड इनटेक इज मॉडिफाइड बाय द इंडक्शन ऑफ द सेंसेशन ऑफ थ्रस्ट. ठीक है, नेक्स्ट आता है, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सेल इन हाइपोथैलेमस टू द इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड पासिंग थ्रू रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर में एनी ऑफ द फॉलोइंग में आएगा, डिक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी. बॉडी के अंदर वाटर के अमाउंट का डिक्रीज होना, इंक्रीज अमाउंट ऑफ एनी प्लस इन द बॉडी, इंक्रीज ब्लड ऑस्मोलैरिटी, डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम. ये सारी चीज़ें हैं. और उसके बाद इसके रिजल्ट क्या होंगे? स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस. और सेकेंड आएगा रिलीज ऑफ EDH फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. और थर्ड आएगा इंक्रीज थ्रस्ट. रेगुलेशन ऑफ वाटर इनटेक, इसका रेगुलेशन कैसे करेंगे? द थ्रस्ट मैकेनिज्म इज ट्रिगर्ड बाय द डिक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी विच रिजल्ट इन अ ड्राई माउथ टू एक्सेस द हाइपोथैलेमिक थ्रस्ट सेंटर. नेक्स्ट आता है थ्रस्ट इज क्विंच्ड as the mucosa of the mouth is moistened and continue with distension of the stomach and intestine resulting in inhibition of the hypothalamic thrust center. Regulation of water output, drinking is necessary since there is obligatory water loss due to the insensible water losses. नेक्स्ट आएगा बियॉन्ड ऑब्लिगेटरी वाटर लॉसेज सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ यूरिन डिपेंड ऑन फ्लूड इनटेक. इन्फ्लुएंस ऑफ EDH, द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब इन द रीनल कलेक्टिव डक्ट इज प्रोपोर्शनल टू EDH रिलीज. जितना ज़्यादा EDH रिलीज होगा वाटर की कलेक्शन रीअब्सॉर्प्शन
वाटर इन द कलेक्टिंग डक्ट इज़ नॉट रीअब्सॉर्ब, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगा ज़्यादातर, और रिजल्टिंग इन लार्ज क्वान्टिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी में डाइल्यूट यूरिन पास आउट होगा जिससे कि बॉडी में वाटर लॉस होगा। वैन ई डी एच लेवल आर हाई, अगर ई डी एच का लेवल बहुत हाई है तो फिल्टर्ड वाटर इज रीअब्सॉर्ब, तो वाटर रीअब्सॉर्ब होगा रिजल्टिंग इन अ लोअर वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेशन यूरिन, और बहुत ही लोअर वॉल्यूम में कंसनट्रेटेड यूरिन होगा वो पास आउट होगा। नेक्स्ट आएगा ई डी एच सिक्रेशन इज प्रमोटेड ऑन इनहिबिटेड बाय द हाइपोथैलेमस इन रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन सॉल्यूट कंसनट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड, लार्ज चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर और वेस्कुलर बैरोरिसेप्टर। ई डी एच होता है, ई डी एच का सिक्रेशन होगा वो प्रमोट करेगा और इनहिबिट करेगा हाइपोथैलेमस के द्वारा इन रेस्पॉन्डिंग टू चेंजेस इन सॉल्यूट कंसनट्रेशन, सॉल्यूट कंसनट्रेशन को चेंज करने के लिए ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में लार्ज चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा चेंजेस होगा या तो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर में और वेस्कुलर बैरोरिसेप्टर में। उसके बाद आएगा फ्लूड प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लूड बैलेंस, डेफिशिट फ्लूड वॉल्यूम आएगा हाइपो वॉल्यूम या नेक्स्ट आएगा डिहाइड्रेशन, एक्सेस फ्लूड वॉल्यूम आएगा हाइपर वॉल्यूम में और वाटर इंटॉक्सिकेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में आएगा डेफिशिट और एक्सेस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रोलाइट, नेक्स्ट आएगा एसिड बेस इम्बैलेंसेस। बैलेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स, सबसे पहला लाइफस्टाइल फैक्टर में आएगा न्यूट्रिशन एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस, सेकंड आएगा फिजियोलॉजिकल फैक्टर में आएगा कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीनल इंटेग्यूमेंट्री और ट्रॉमा। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंटल फैक्टर होते हैं वो इन्फेंट और चिल्ड्रन, एडोलसेंस एंड मिडल एज एडल्ट एंड ओल्डर एज एडल्ट, ये भी क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं फ्लूड बैलेंस को। क्लिनिकल फैक्टर्स के अंदर सर्जरी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, मेडिकेशंस हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंट्यूबेशन हो गया, इंट्रा वीनस थेरेपी हो गया, ये सारे जो हैं फैक्टर्स वो अफेक्ट करते हैं फ्लूड बैलेंस को। अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइट, उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे।